हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, कहते हैं ना कि आपकी खूबसूरती जब तक आप चमकती है, जब तक आपके शो की टीआरपी हिट आती है, और जिस दिन आपकी शो की टीआरपी डाउन होने लगती है तो आपकी पोजीशन भी कहीं ना कहीं डाउन होने लगती है। ऐसा हम कई बार देखते हैं और कई बार देखते आए हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके जो है शो में काफ़ी ज़्यादा जनरेशन लीप आने वाला है या लीप आने वाला है, भी चाहे 1 साल का लीप आए, 6 महीने का लीप आए या फिर जो भी है, लेकिन जो है लीप आने वाला है। ऐसे में जो है एकता कपूर का शो कुमकुम भाग्य एट दिस टाइम कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। स्लॉट किंग है लेकिन एट दिस टाइम टीआरपी अच्छा नहीं दे रहा है। चैनल ने बोल दिया है कि मोस्टली आपको हम दिसंबर तक का टाइम देंगे, अगर आपका चैनल 1.7 या 1.8 टीआरपी ले आता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर आपके कुमकुम का सफ़र कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर टाटा बाय कर दिया जाएगा। ऐसे में प्रोडक्शन सोच रहा है चलो अभी तो बहुत टाइम है दिसंबर तक, कोई बात नहीं, इतने कहानी को खींचते रहते हैं। उसी के बीच में भी ऑडिशन चल रहे हैं, ये चेहरा पसंद नहीं आ रहा, ये चेहरा पसंद नहीं आ रहा, ये चेहरा पसंद नहीं आ रहा है। जब ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ना तो तब होता है, जब आपके पास प्रेशर बढ़ जाता है कि आपको जो है 15 दिन में ऐसा करना है तो फिर आप करेंगे ही करेंगे। ऐसे में जो है कुमकुम भाग्य में 100% जनरेशन लीप आने वाला है, इसकी न्यूज़ खुद वहाँ के सितारों ने कहा है, यानी कि रणबीर उफ यानी कि आपके कृष्णा ने, कि जो है मैं शो का हिस्सा बना रहूँगा और मैं 20 साल के बच्चे के बाप का रोल करूँगा, लेकिन मैं शो के साथ लगातार नहीं बना रहूँगा, कभी कभी आपको नज़र आऊँगा। भाई मुझे शो ने इतना अच्छा मौका दिया, मुझे पहचान दी, तो अब मेरा भी हक है कि मैं भी शो के लिए कुछ करूँ। फिलहाल मुग्धा ने साफ मना कर दिया है कि मैं 20 साल के बच्चों के माँ बाप का रोल नहीं करूँगी, इन फ्यूचर मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। होता ही है यार, हर कोई सितारा जो है काम करना नहीं चाहता है। चलिए, तो ये बातें तो हम बहुत सारी करते ही रहते हैं, ये आपको पता भी है, और क्योंकि आप हमारे से ज़्यादा सोशल मीडिया में रहते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया में नहीं रहते उन्हें बताने का हमारा हक है। आप सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है कि आपके जो है भाई बड़े बड़े सितारों को ढूंढा जा रहा है कुमकुम भाग्य में। कुंडली में तो इन्होंने ज़्यादा बड़े सितारे लिए नहीं हैं, और इसीलिए लोगों को प्रीता की कहानी पसंद आती है। नई जनरेशन की कहानी में तो फैंस ने अभी तक इंटरेस्ट नहीं लिया। आप कुमकुम में जो है बड़े बड़े सितारों को लिया जा रहा है, या ऑडिशन दिए जा रहे हैं, या अप्रोच किया जा रहा है, या मॉक टेस्ट लिया जा रहा है, उन्हीं के बीच में आपकी यशिका, जिन्हें आप कभी कभी इत्तफाक में गुमे किसी के प्यार के प्रोडक्शन के साथ देख चुके हैं, यानी कि कभी कभी इत्तफाक में पिंजरा खूबसूरती नहीं है, एक था एक शो आई, फिलहाल उनका कभी कभी इत्तफाक से जो है आपको उसमें जो एक्टर्स नज़र आई थी, तो वो जो है आपको नज़र आने वाली हैं कुमकुम में। पॉजिटिव रोल सुनने में आ रहा है करेंगे। ऐसे में न्यूज़ निकल कर आई है प्राची की जो बेटी है उसकी कहानी आगे दिखाई जाने वाली है। ऐसे में प्रियल महाजनी का नाम भी सुनने में आया है कि वो सेट पर देखी गई हैं। अब वो अप्रोच करके देखी गई हैं या मॉक टेस्ट देकर गई हैं पता नहीं, फिलहाल जो है उन्हें जो है सुनने में आया अप्रोच किया जा रहा है। अप्रोच का मतलब कि आपको अप्रोच करते हैं, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट लेते हैं, फाइनल हो जाता है तो बेस्ट है, कन्फर्म हो जाएगा। तो ऐसे में अगर एकता कपूर ऐसे सितारों को ले रही है अपने नई जनरेशन में कुमकुम भाग्य में, तो यकीन मानिए टीआरपी जो है 1.9 में जो है। स्टोरी तो चलो बाद में देखी जाएगी, क्योंकि एकता की वही घिसी पिटी स्टोरी हम देखते ही हैं, कोई नई बात नहीं है, आजकल तो वही हो रही है, लेकिन जो पहले एकता का स्टोरी में दम था वो तो नहीं है, लेकिन जो है फिलहाल जो है स्टोरी उनकी सेम सी होती है। फिलहाल है जो अगर वो ये सितारे लेने वाली हैं तो इन सितारों की गारंटी मैं दे रही हूँ कि 1.9 टीआरपी आएगी, फिर बाकी डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी कैसी होने वाली है। ऐसे में जो है सुनने में आ रहा है जो उनके पहले कुमकुम में जो सितारे थे, बूजी थी, बाप का रोल जिसने किया था, उन्हें जो है बुलाने वाली है। भाई कुमकुम उनकी जान है, जी टीवी की पहचान है, तो ऐसे में इसमें सोच समझकर कास्टिंग करने वाली है। सेकंड जनरेशन तो उन्होंने ऐसे ही ली थी, अब थर्ड जनरेशन जरा सोच कर ले रही है, तो क्या वाकई ही कुमकुम संभल पाएगा 2023 में, या फिर किस हवा में उड़ जाएगा पता नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।